नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के आखिरी फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया चल रहा है भारतीय बाजार। जो बार बार बातचीत हो रही थी कि मोमेंटम पकड़ लिया है, 800 850 तक के जोन्स तक जाने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही हुआ है। 800 850 उसी पॉकेट को हिट करने के बाद 850 के गिव एंड टेक 25 पॉइंट एकदम से कल पस्त पड़ गया, मुनाफा वसूल गया। तो मोमेंटम को तो बढ़िया राइड करा, पर कल वो सेकेंड हाफ में कल हुआ क्या? कल बहुत बढ़िया सेशन था। वैसे परसों तो हुआ क्या था, एकदम से सारे ग्लोबल क्यूज एक दिन की छुट्टी के बाद आए तो यूएस मार्केट उछले हुए थे, हमारा उनका इन्फ्लेशन एकदम कूल ऑफ हो गया था, तो हमने एक बहुत बड़े गैप अप के साथ शुरुआत करी थी। हाँ, ये बात थी कि गैप इंटैक्ट था। कल ही हुआ क्या, ग्लोबल संकेत ठंडे थे, कंसोलिडेशन का मूड था, हम भी पस्त खुले, थोड़ा सा लाल में चले गए। उसके बाद स्क्रीन पे पूरी तेजी हुई, तो कल का सेशन उस लिहाज से ज्यादा इंटरेस्टिंग पैन आउट हो रहा था। और मोमेंटम पकड़ते पकड़ते 875 तक के जोन्स पे चले गए थे हम, 245 के आसपास। पर वो 245 के आसपास एकदम से मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो गया। खैर, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। आज इंडिकेशन है कि फिर कंसोलिडेशन का मूड रहेगा, हल्के लाल निशान के साथ। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 19-20 पॉइंट की हल्की सुस्ती, कह लीजिए कमजोरी, तो वर्ड भी गलत हो जाएगा। सुस्ती वर्ड कमजोरी से लाइटर हो गया ना, हाँ, तो सुस्ती टाइप फीलिंग आ रही है, और कुछ नहीं है। अब देखा ही, जरा एशिया दिखा दीजिएगा, यूएस दिखा दीजिएगा, मार्केट स्क्रीन जैसा हम है वैसा सब है। एशिया से यूएस से भी वैसे ही क्यूज कल के आए, और आज फ्यूचर्स भी उनके ऐसे ही कामकाज कर रहे हैं एकदम पास लाइए। इससे ऐसे में फिर पिच का जायजा लेना इंपॉर्टेंट है। अब ना समझ में आ रहा है गेंदबाज का फ्लोर है, ना समझ में आ रहा है बल्लेबाज का, तो पिच समझ लीजिए डिटेल। लाइए, जूम इन करिए हमारे सामने, लाइए पिच, ये आ गई। इसी को कॉपी करा मुझे लगता है आज के चैनल कवरेजेस ने, उन्होंने भी ऐसा कर दिया है। पर हमने अपनी सैंक्टिटी को मेंटेन करा, वो लोग पता नहीं कहां से एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं। हमने सबको मना कर दिया, इट्स सीएनबीसी के पास ही प्रॉपर्टी है, सीएनबीसी आज देखिए आप पूरा वो चल रहा है, सब चारों तरफ आवाज है, आवाज किसी को नहीं, एंटरटेन कर रहे हैं लोग। खैर, पिच सख्त दिख रही है एकदम। सख्त क्यों दिख रही है यार, ये तो ऐसा डाइसी दिख रहा था मामला ग्लोबली, अगर क्यूज देखूं तो, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा तो सख्त क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। क्रूड सस्ता है, हाँ, क्रूड सस्ता हो गया, लोन महंगा होगा, महंगा मतलब हो ही जाएगा, लेना भी महंगा देना भी महंगा, जिसका पेन आएगा वो पास ऑन ही होना है, पास ऑन ही होना है, तो इसलिए पिच ऐसी रखी गई है। मतलब हमारे पास प्लेटर सब कुछ है, जो आपको मन हो, लॉन्ग शॉर्ट कुछ ना करने का मन हो, पर जब बुफे में जाते हैं ना तो इवेंचुअली देख के सब कुछ लाया जाता है, एक दो चीजें होती हैं जिसको आप फिर फेल के खाते हैं, जो आपको समझ में आती है उसमें अच्छी, बाकी तो फिर आप तो टच अपॉन भी नहीं कर पाते। नहीं, उससे पहले आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत लपक के। एक में शादी में गया था मुंबई में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की डॉटर की शादी, उसमें इतने खाने की वैरायटी, 20 मिनट तो मैं खाली जायजा लेता रहा किस किस स्टॉल पर रुकना है, अंत में कंफ्यूज हो गया, फिर वही कन्वेंशनल चीजें खा के चले। तो वैसे ये मार्केट है कि इतना ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए, ओएमसीज ले लो, हाउसिंग फाइनेंस ले लो, क्रेडिट वाल, जिधर आपका दिल करे, ओवरऑल फ्लैट है, पॉकेट्स में आपको जहां मर्जी करे वहां पे आप अपने सौदे सेट कर सकते हो। तो इसलिए पिच को एक्चुअली ग्रीन और उसके दोनों के बीच में रखना चाहिए, आज दोनों साइड से है, जिधर आपकी मर्जी हो, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएंगे। जो घटना आरबीआई ने की है, घटना मतलब बेसिकली आरबीआई ने क्या करा है, रिस्क वेटेज बढ़ा दिया उन्होंने, लॉजिकली बैंक को पेन ऐसे नहीं देना था, ऐसे दे दिया, ये लगाम कस दी बेसिकली कि आप अंधाधुन मत मजे लो भाई, मतलब मोटे तौर पे भाई अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा कम दो, कॉशियस होने का समय आ गया। इस पे आएंगे जब हम स्टॉक डिस्कस कर रहे होंगे, आज तो इसी पे टीम रखी है, मुझे चिंता है कि सारे स्टॉक इसी पे हैं, ज्यादातर इसी पे, मेरे भी वही कहानी है। अरे यार, जो पॉकेट फोकस में उस पे आप भी जानना चाहते हो, जब खबर आई थी तो सब आपके मेरे दिमाग में भी आया था, पहले खबर पड़ी उसके बाद कि यार किसको इम्पैक्ट हो सकता है, किसको, यही सब सोच रहा हूँ कल से। तो कोशिश यही करिए इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही स्टॉक डिस्कस कर लिया जाए किसको ज्यादा इम्पैक्ट होने की गुंजाइश बन रही है। चलिए भाई, तो पहले शुरुआत कर रहा हूं मैं आज के टीम लाइनअप से, खोल लूं जरा। SBI कार्ड्स रख दीजिए यार, कहानी एक काम करिए, पहले 3 रख दीजिए, SBI कार्ड्स रखिए, उसके बाद दूसरा मैंने कहा था डॉक्टर साहब आदित्य बिरला कैपिटल रख दीजिए, AB कैपिटल, और तीसरा एक काम करिए L&T फाइनेंस और पूना वाला फिनकॉम, मैंने 4 रखे।
ऐसे नहीं कि सबसे ज्यादा इंपैक्टेड ये सारे के सारे कुछ इनके पास भी मिलेंगे आपको, जबरदस्त इंपैक्ट वाले मिलेंगे। पहले एक समझिए आरबीआई ने कल किया क्या, वो अपन हम दोनों डिस्कस करते हो कोशिश करते समझाने की। आरबीआई का नवंबर बुलेटिन आया, उस नवंबर बुलेटिन में आरबीआई ने रिस्क वेट्स जो होते हैं कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर के, कमर्शियल बैंक्स के और एनबीएफसीज के बढ़ा दिए 25% से बढ़ाकर 125%। अब इसका फॉर्मूला है, ये मतलब नहीं है कि 100% मतलब 100 रुपए दिए तो 100 रुपए मैं रख लूं बैक, इसका कैलकुलेशन होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दरअसल इनका बढ़ गया है। बैंक्स को अगर और प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, जो प्रोविजन मतलब सेट असाइड करना पड़ेगा पैसे देने के लिए, तो वो आइडल कैपिटल है। ये इंपैक्ट करता है उनके रिटर्न रेशियोस पे सीधे सीधे। असल में ये तो सिर्फ कंज्यूमर क्रेडिट की बात करें तो उसमें क्रेडिट कार्ड जो स्पेसिफिकली हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इस समय 125% रिस्क वेटेज से सेट असाइड कर रहे थे, बढ़ाकर 150% कर दिया गया। एनबीएफसीज 100% कर रहे थे, 125% कर दिया गया। ये कुछ हद तक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को, अगर आपने कमेंट्री को नोटिस करा हो तो अक्टूबर में जब वो पॉलिसी अनाउंसमेंट आया था उसके बाद सीएनबी सेवाज ने कमेंट्री काट रखी थी गवर्नर साहब की, तब उन्होंने कुछ हद तक इंडिकेट करा था, तब उन्होंने अपने लिमिटेड वर्ड्स में मेंशन करा था कि एडवाइस किया था, दरअसल वर्ड यूज करना चाहिए बैंक्स को, एनबीएफसीज को, कि अपने इंटरनल सर्विलेंस मैकेनिज्म्स को आप स्ट्रेंथन करिए ताकि रिस्क का बिल्डअप ना हो। शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक आरबीआई ने रियलाइज किया कि अब अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उन्होंने रिस्क वेटेज बढ़ा दिए। तो रिस्क वेटेज बढ़ा दिए मतलब कि ज्यादा कैपिटल सेट असाइड करने की जरूरत पड़ेगी। शायद ये इंडिकेट ये भी कर रहा है कि एपेक्स बैंक का परसेप्शन रिस्क को लेकर बढ़ रहा है सिस्टम में जो आ रही है, तो ये सब इश्यूज आ गए। सबसे तगड़ा इंपैक्टेड जो स्टॉक है वो पहला स्क्रीन पर रखा है, एसबीआई कार्ड्स पूरी तरह से इंपैक्ट होता है, ये क्रेडिट कार्ड डिवीजन और उस पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिए गए। इनके लिए चैलेंजिंग समय है, इनके लिए दिक्कत वाली खबर है, इसलिए सबसे पहले स्टॉक एसबीआई कार्ड्स का रखा। उसके बाद जो दोनों स्टॉक्स हैं एक एक करके दिखाएंगे डॉक्टर साहब, आदित्य बिरला कैपिटल और एलएनटी फाइनेंस। अब मैं वो टटोल रहा था, अब इसमें ध्यान रखिएगा कंज्यूमर एक्सपोजर क्रेडिट एक्सपोजर की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें अलग से मेंशन है उस जो अपडेट आया था आरबीआई का, क्या कहते हैं बुलेटिन आया था, कि उसमें होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स और जो लोन्स अगेंस्ट गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी दिया जाता है उन पे नहीं लागू होता है। तो आपको वो कंपनी सिंगल आउट करनी है जो जिनका एक्सपोजर इनके बियॉन्ड जाता है, उनके लिए दिक्कत आती है। पर्सनल लोन में आदित्य बिरला कैपिटल खड़ा है सामने, इवन एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग खड़ा है। इनके चार्ट एलएनटी फाइनेंस का चार्ट उठा के दिखाइएगा। बढ़िया मूव्स के बाद पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेट अटकने के संकेत और करेक्ट हो रहे हैं, सब के सब ऐसे ही, आज का नहीं एक दिन का कैसे दिखा गया, 6 महीने 3 महीने जो दिखा, ये देखिए तो ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आएगा। ये कहानी है कल की, मिनिमम कैपिटल सेट असाइड करना है वो बढ़ना, बढ़ना मतलब रिटर्न रेशियोज पे इंपैक्ट और खामियाजा भुगतना इन कंपनी को। और भी हैं, इन्होंने तो बाजार के वेटरन्स के साथ इंडस्ट्री के बातचीत भी कर रखी है, ये और थ्रेडबेयर समझाएंगे आपको और अपने स्टॉक बताएंगे। इन्होंने तो शुरुआत कर दी थी धड़म धड़ 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 स्टॉक कौन कौन से शुरुआत थी शुरुआत में हमारे पास जो जिनके ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है वो लिए, जैसे बजाज फाइनेंस, तीन तीन करके दिखा दीजिए, बजाज फाइनेंस दिखाइए, चोला दिखाइए, चलो पहले से ये दो दिखाओ फिर आगे वो बताओ। चोला क्यों बोलते हैं जब चोल डायनेस्टी है तो हिंदी वर्ड, हाँ ये तो चोल फाइनेंस बोलना चाहिए, चोल मंडलम फाइनेंस बोलना चाहिए, ये अंग्रेजी का प्रभाव और कुछ नहीं है। अपन चोल जबरदस्ती क्यों लगाया इसमें, नहीं वो तो रामा में भी राम राम रामा रामा चोल अगर आप लिखो सी एच ओ एल, रामा लगाया क्यों, आर ए एम राम है तो वही, तो मैं भी कह रहा हूँ चोला में एक क्यों लगा हुआ है, अंग्रेजी लिखवाते हैं आर ए एम, हाँ वो लिखवा रामा, एक्चुअली रामा का मतलब हो जाता है सीता, राम की रामा, रामकृष्णपुरम दिल्ली में है एक जगह मोहल्ला, उसको लोग अंग्रेजी में लिखा था रामा कृष्णपुरम, अरे रामा से तो सीता हो गई भाई साहब, तो भी अंग्रेजी में आर ए एम क्यों लिखा है,
ये आप अगले बताओ, आप तो अंग्रेजी वाले लोग, पता नहीं वो टीचर काट देती मार्क्स नंबर घट जाते हैं जो बोलते वो। लेकिन ये चोल है। हाँ, चोला ये है, चोल डायनेस्टी से, साउथ की कंपनी है और उसी डायनेस्टी से नाम इंस्पायर्ड होगा। करेक्ट, चोल इन्वेस्टमेंट। हाँ, देखिए वो आयो, ये बहुत अभी जो आशीष ने आपको एक्सप्लेन किया ना, बेसिकली सर आरबीआई का कहना है कि आप कंज्यूमर लोन कम दीजिए क्योंकि उधर रिस्क है, अनसिक्योर्ड है, तो जो जो बजाज फाइनेंस जिस तरीके की लोन देता है वो वाले, या पर्सनल लोन लेते हैं जिसके पीछे कोलेट्रल नहीं है। तो अभी क्या है कि आपके 100 रुपये लोन देना तो 20 रुपये आपको आइडल मनी रखनी पड़ती थी, अब उसको आप बढ़ाना पड़ेगा, आपको 25% उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया। तो आइडल मनी रखने से मेरा रिटर्न रेशियोज भी गिर गए, मुझे ज़्यादा कैपिटल सेट असाइड करना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं आपके पास ऑन कर दूंगा। एग्जैक्टली। अब इसमें दूसरा क्या प्रॉब्लम है, लोन देना भी मुश्किल और लोन लेना भी मुश्किल। बजाज फाइनेंस लोन लेगा और फिर देगा, एनबीएफसी बैंक से पैसा ले रहा होगा शायद, बैंकों को भी टाइट किया गया तो बैंक कम देंगे क्योंकि बैंक को भी वही फॉर्मूला रखना है कि आप एक एनबीएफसी को लोन दे रहे हैं तो आपको अपने पास रिस्क वेटेज रखना पड़ेगा, तो लोन लेना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, तो बजाज फाइनेंस के लिए डबल मार है। यही चीज फिनटेक कंपनीज के लिए भी है, तो मतलब एनबीएफसी के लिए दोहरी मार हो गई, बैंक्स के लिए भी मार हो गई, बैंक्स के लिए मार हो गई, फिनटेक के लिए और ज्यादा मार है। फिनटेक से मतलब अपना फिनटेक मतलब पेटीएम, फिनटेक मतलब पीबी फिनटेक, ये भी एनबीएफसी टाइप है, एनबीएफसी टाइप के। अब इनका तो कोई बेस ही नहीं है, ये तो खाली एक तरीके से कैपिटल का प्लेटफॉर्म है ही, इधर लो इधर उधर कर रहे हैं, तो इनके लिए और मुश्किल हो गई। तो जितने लोग इस तरीके के हैं उनके उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, या तो लोन कम बांटो, असली मकसद उनका कि लोन कम बांटो, आप अब उसको बहुत ज़्यादा बांटना चाहते हो तो उतना रिस्क लो, फिर आप उतना वेटेज रखो उसमें। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। SBI कार्ड अभी आपने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा असर उसी के ऊपर आने वाला है। चोला इन्वेस्टमेंट हमने बताया कि इस पर असर रखेगा। अब दरअसल जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 42% जो है बजाज फाइनेंस का ये जो लोन है पर्सनल इस टाइप के लोन है तो उसमें दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रभावित होंगे जो इस तरीके की लोन ये देना चाहते हैं। इसी में जोड़ लीजिए, मैं 4 बता देता हूँ, पेटीएम और पेवी फिनटेक भी हमने डाल रखा है क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी इस पर असर आने वाला है, अब रीसेट होगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि आरबीआई ने एकदम से नई चीज़ कर दी है, ये कोविड के बाद उन्होंने घटाई थी और उसको उन्होंने फिर से रिस्टोर कर दिया है। तो पिछले 2-3 साल में जो बहुत मज़े लिए हैं अब उसको थोड़ा सा टाइट करा गया है, लेकिन असर तो आएगा क्योंकि आदत पड़ जाती है ना, 2-3 साल से आदत पड़ी हुई है, तो उसका एक रिसेट इम्पैक्ट आएगा। जो ऑटो लोन दे रहे हैं, जो होम लोन दे रहे हैं, जो कोलेट्रल बेस्ड लोन दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं है, वो अनअफेक्टेड रहेंगे। तो भाई मेरे 4 हो गए, पीबी फिनटेक, पेटीएम, चोल और बजाज फाइनेंस। रखिए इन स्टॉक्स को रेडार पे। तो ये आरबीआई के कदमों को और आगे बढ़ाता हूँ, 4 तो मैंने भी बता दी शायद एक ही सांस में। ICICI बैंक और HDFC बैंक, दोनों दिग्गजों को मेंशन कर देता हूँ। एक बात समझिए, ये कितना सेट असाइड करना है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट आता है, बोरोअर्स डिफॉल्ट करते हैं, रीपे नहीं कर पाते हैं, तो उससे सिस्टमिक इश्यूज ना आए, या सेट वो कितना सेट असाइड करना है उस रिस्क के परसेप्शन में, बेसिकली वो रिस्क वेट है। तो आरबीआई ने मतलब परसेप्शन रिस्क का बढ़ता चले जा रहा है, इसीलिए ऐसा कर दिया। ICICI बैंक में कई बार मेंशन करता था कि बख्शी साहब के अंदर मेरे ख्याल से 8-9 तिमाहियां या ज़्यादा हो गई हैं, बहुत भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और हम लोग बाबा मेंशन करते थे NIMs के आंकड़े क्या स्वेल करते चले जा रहे हैं, वो NIMs इसीलिए स्वेल कर रहे थे कि बख्शी साहब एग्रेसिव है, अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में बहुत एग्रेसिव है। और अभी तक ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह, पिछला रिजल्ट भी आकलन ने सबसे पहले यही देखा था कि वो कुछ ऐसा गड़बड़ाया है तो नहीं, अनसिक्योर्ड वाला कुछ नहीं हुआ, एसेट क्वालिटी चकाचक है, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई सिस्टम में। आरबीआई पहले से फ्लैग ऑफ कर रही है, पहले से कदम उठा रही है, अच्छी बात है। ICICI बैंक का एग्रेशन था, खूब क्रेडिट कार्ड, खूब पर्सनल लोन्स डोल आउट हुए, अनसिक्योर्ड बुक बढ़ती चली जा रही है। तो ICICI बैंक पहला इस कड़ी में बैंक में। और वैसे कैलकुलेशन ये कहता है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ए था पहले था, और अब इस रिस्क वेटेज के बाद जो होगा उसमें इन पे इम्पैक्ट पड़ना है ICICI बैंक में करीब 80 बेसिस पॉइंट्स एडिशनल क्या इम्पैक्ट आना है। ऐसे ही HDFC बैंक जाना जाता है अपने क्रेडिट कार्ड डोल आउट के, क्रेडिट कार्ड्स पे भी इशू, पर्सनल लोन्स भी, खैर सब कुछ मिला मिलू के 70 बेसिस पॉइंट का इसको खामियाजा भुगतना है। पर HDFC बैंक के साथ एक तस्वीर बदल गई है, 2 दिन से फूफा बढ़िया लौट के आए, परसों 550 करोड़ रुपये खरीद, 800 बताना भूल गया, कल 950 करोड़ रुपये खरीद, फूफा आए नहीं और RBI ने गड़बड़ कर दिया मामला।
इतनी मुश्किल से तो बेचारे आए थे, लेकिन खैर एचडीएफसी बैंक ध्यान रखिएगा डाउनसाइड, अगर फूफा खुश रहे तो डाउनसाइड सपोर्ट करेगा, लेकिन दोनों रेडी रखता हूँ आज के डिसीजन में। छह हालांकि कुछ लोग वैल्यू बाई करने आएंगे इसमें आज के दिन, ये भी आप मान के चलिए। जैसे किसी की नजर गड़ी हुई थी कि मेरे को ये स्टॉक लेना है, मिल नहीं रहा था, आज अपॉर्चुनिटी। गाढ़ा लाल रंग है क्या? नहीं उतना गाढ़ा भी नहीं है, नारंगी रंग समझ लो, बहुत गाढ़ा लाल नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लोगों की होगी। अच्छा बार बार डॉक्टर साहब कह रहे समय नहीं तो फटाफट मैं आपको दो और बता देता हूँ। RBL बैंक, ये भी क्रेडिट कार्ड बहुत बांटते हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक रखिए, अनसिक्योर्ड लोन ये भी काफ़ी देते हैं, और दोनों बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं। अच्छा सबके ऊपर दिक्कत आने वाली, मैं सात बता देता हूँ जो कि सातवां स्टॉक भी से SBI में एक पिकुलियर केस है, ये CAR के बिल्कुल वर्ज पे खड़ा है। अभी रकम चाहिए उतनी के आसपास है, अभी ज़्यादा कर नहीं सकते, कुशन नहीं है ना, कुशन आपके दोनों बैंकों के पास कुशन है, ये प्राइवेट में तो है, प्राइवेट में कुशन, इनके पास कुशन नहीं, SBI को भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो सातवां स्टॉक मैंने बता दिया, चलो समय बचाने के लिए फटाफट एक ब्रेक, ब्रेक ब्रेक के बाद अगले मेरे तीन और इनके चार। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब चूंकि मैंने सात बता दिए थे तो अभी मेरे को तीन ही बताने हैं। तो आठवां स्टॉक है JSW इंफ्रा। इस पर खबर ये है कि कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगा है, जो ऑल वेदर पोर्ट होगा, ग्रीनफील्ड पोर्ट है एकदम। 4119 करोड़ रुपये में ये कार्यक्रम किया जाएगा, और ये काम JSW इंफ्रा करेंगे, तो ये एक अच्छी खबर इनके लिए निकल के आई है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। फिर IOC और BPC को रखिए। देखिए ऑयल कंपनीज़ को ये अंदाज़ा हुआ, डेफिनेटली रहा होगा कि इस तरीके की तेज़ी बन रही है, तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी, IOC, BPC, HPC, ONGC सब में तेज़ी थी। आज क्रूड फिर से नीचे आ गया है, ब्रेंट $77 पर ट्रेड कर रहा है, ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि हर डॉलर गिरने पर इनकी अंडर रिकवरी कम होती आएगी आगे, तो इन दोनों में मुझे लगता है कि आज फिर से मोमेंटम रहेगा। इनके डेरिवेटिव्स वाले एशियन पेंट, बर्जर पेंट, तो खैर बहुत डिस्कवर्ड स्टोरी है, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा, तेजी हो सकती है। और अगर किसी को डर था कि इलेक्शंस में पॉपुलिज्म का डोज ऐड करने के लिए कुछ करवा देंगे, ऐसा हुआ भी हुआ नहीं, तो इसीलिए ये और अच्छी खबर, तो मैंने HPCL डाल दिया जो इन्होंने छोड़ दिया था HPCL, मेरी टीम का दिखाई ना HPCL लाइए HPCL स्क्रीन पे, और HPCL ग्रीन है। अगले जो ग्रीन है उसमें एक ब्रिगेड इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट का अपडेट आया है, बेंगलुरु में 2100 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट वैल्यू के साथ, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के साथ 2 बिलियन स्क्वायर फीट डेवलप करने की तैयारी। SJVN ऐड करी, SJVN ने पावर परचेज एग्रीमेंट एक करार कराया, बेसिकली कह लीजिए 200 MW विंड प्रोजेक्ट के लिए, वो अपडेट स्क्रीन पर आएंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ वो करार होता हुआ, इसीलिए ग्रीन रखा है इसको। और फाइनली TVS मोटर्स, वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसके चलते की यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी फोरे करती हुई नजर आएगी, इसको भी ग्रीन हो गए 10-10 स्टॉक पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप।